नमस्कार, मैं सुशील स्वामी और आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पर सकारात्मक विचारधारा पर आधारित सितारे पुलिस के यूट्यूब चैनल। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा के दिशा निर्देशन में गंगानगर जिला पुलिस को मिली एक और सफलता। फोन पर धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोपी इंदौर से गिरफ्तार। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। एक आरोपी पहले पकड़ा जा चुका है। पुरानीबाजी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को फोन पर गैंगस्टर माया भाई के नाम से जान से मारने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। करीब 9 माह बाद पुलिस ने इंदौर से माया भाई को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी वहां गैंग सरगना बताया जा रहा है। आरोपी से पुलिस मध्य प्रदेश व राजस्थान में धमकी देकर फिरौती मांगने के संबंध में पूछताछ कर रही है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लाने वाली टीम में हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल धर्मपाल, कांस्टेबल चंद्रशेखर सीताराम आदि शामिल रहे। उसके फोन पे किसी की धमकी आई है और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, तो उसी समय तफ्तीश करके सुनील कुमार निवासी लादू वाले को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनील कुमार ने अभी माया भाई नाम का है कोई उज्जैन के पास का इस फोन नंबर उपलब्ध कराए थे पवन के, और इसने फ़ोन किया था और 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। तो कल हम इसको वहाँ से उज्जैन से लेके आए हैं, गिरफ्तार किया है। एक दिन का आज पुलिस रिमांड लिया है और इससे तफ्तीश चल रही है।